एक ये भी था कि जैसे आप एज अ कपल काम करते हैं तो इसमें प्रोज क्या होते हैं कॉन्स क्या होते हैं, मतलब यूजुअली एक बंदा स्टार्टअप कर रहा होता है दूसरा अपना जॉब टाइप्स कर रहा होता है, बड़ा दोनों कर रहे हैं तो क्या लड़ाइयाँ भी होती है या कैसे डिसीजन मेकिंग सबसे होती बड़ा है? कौन तो ये है कि एक्चुअली हम सबसे बड़े रिस्क पे हैं, हाँ, क्योंकि सब कुछ भी दोनों हमने एक ही, बिजनेस में डाल रखा दोनों एक है ही कश्ती में तैर बिल्कुल रहे और जब डालना होता है आप घर भी बेच देते हैं तो दोनों तो एक इसीलिए यस ये सबसे बड़ा कौन है, रिस्क है, बट नहीं अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। देखिए आई थिंक एडवांटेज तो सबसे बड़ा ये, आपको ट्रस्ट इश्यूज नहीं होते, यू नो दैट द अदर पार्टनर एंड यू आर एक्चुअली एक ही आपका मिशन और विजन है, आपको एक दूसरे के साथ रिवाइज नहीं करना पड़ता, ऐसा नहीं है। डिसएडवांटेज ये कहूँगी हाँ डिसएग्रीमेंट्स होती हैं, और जब बिजनेस टफ होता है तो एक तरीके से आप घर पे भी एज बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, क्योंकि बिजनेस आपसे मतलब छूटता नहीं बिजनेस है। रुकता नहीं है, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, बिल्कुल ना, बिजनेस चाहे छुट्टी हो या हाँ चाहे कुछ हो, छुट्टी तो हो चाहे वो त्योहार हो, है। बिजनेस रुकेगा नहीं बस। तो उसके लिए हमने भी 2-3 साल बहुत स्ट्रगल किया, नहीं समझ में आ रहा था कि भाई कैसे इसको अलग करें बिजनेस को पर्सनल से। छोटी छोटी वही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, रात को अगर हम घर गए हैं तो लैपटॉप को गाड़ी में ही छोड़ दो, मत अच्छा खोलो, है ना, और या रात को एक अलार्म लगा लो कि बस ठीक है 11 बज गए ना, अब ऑफिस की बात नहीं करनी। कोशिश कोशिश शुरू शुरू में तो जब ऐसे होता था तो हम चुप ही हो जाते थे, फिर बात क्या करें क्योंकि 2 साल से सिर्फ बिजनेस। तो यस ये टफ है, बट आई थिंक एडवांटेजेस ज़्यादा दिखते हैं मुझे देन डिसएडवांटेजेस, कि एक कंपैटिबिलिटी है, आप इकट्ठे ग्रो करते हो, आपको बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इट्स फेलियर का डर कम रहता है सबसे इम्पोर्टेंट। अच्छा मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मान लो एक स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम हाँ एक आपके साथ सपोर्ट, है क्योंकि पता है कि दोनों एक ही डिसीजन में लाइक पार्टनर तो है, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा है, फेलियर से कम डर लगेगा, पता है कि डूबे तो दोनों डूबेंगे, एक की वजह से नहीं होगा प्रॉब्लम, तो वो तो थोड़ा सा कंपेटिबिलिटी बेटर, हमने तो यही देखा है, बट पता नहीं है बाकी सब और देखिए अपन फॉर्म डिस्कॉर्ड्स कैसा। होते हैं, हमेशा होते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब हर इंसान के अलग प्रेफरेंस और चॉइस है, ऐसा नहीं होता कि आज मुझे कोई चीज़ पसंद आई है ही विल आल्सो से दैट, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारे बीच में कभी ये नहीं हुआ, एटलीस्ट प्रोफेशनल सेंस में ये नहीं हुआ कि नहीं मैंने कहा है इसीलिए ये होगा, वही होगा जो कंपनी के लिए बेस्ट इंटरेस्ट में है, चाहे वो मेरी डिसीजन हो या एसवी की डिसीजन हो, बट जो उस टाइम पे कंपनी के लिए बेस्ट है, और मोस्टली वो एक ही कंसेंसस ही होती है।